हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर रोज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ एक सेशन, जिसमें मैं लेकर के जाती हूँ आप लोगों को ग्रामर की हेवन। आज है डे 118 और आज मैं रूल भी कवर कर रही हूँ 118 ओनली, राइट। सो आज का जो रूल है, इसमें मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ बताने वाली हूँ। और वो चीज़ ये है कि अगर आपके पास दो अलग अलग वर्ड्स हैं जिनको अलग अलग प्रपोजिशन की रिक्वायरमेंट है, तो आप उनके लिए सेपरेट प्रपोजिशन यूज़ करें, वो भी अकॉर्डिंग टू द वर्ड। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे सपोज मैंने आपको यहाँ पर एक सेंटेंस लिख के दे दिया, मैंने कहा, मान लीजिए मैंने कहा एनिमल्स, है ना, एनिमल्स रहते हैं, लिव, ठीक है, ऑन लैंड एंड ट्रीज, ठीक है। और दूसरा मैंने लिख दिया एनिमल्स की जगह पे एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। मैंने लिख दिया ऑन लैंड एंड वाटर। सो अगर इन दोनों सेंटेंसेस में मैं आपसे पूछूं, बेटा बताइए मुझे विच सेंटेंस इज रॉन्ग, तो आप बोलेंगे मैम दोनों सही हैं, लेकिन दोनों सेंटेंस सही नहीं है, है ना। फर्स्ट वाला सेंटेंस सही है बट दूसरा वाला सेंटेंस क्या है, गलत है। द रीज़न इज, मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास दो वर्ड्स दिए गए हैं उनको सेपरेट प्रपोजिशन की ज़रूरत है, तो आप सेपरेट प्रपोजिशन लगाइए, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे अगर मैं लैंड की बात करूं और ट्रीज की बात करूं, तो जानवर लैंड के भी ऊपर ही रहते हैं, ठीक है ना। और अगर पेड़ भी होता है ना, तो पेड़ के भी ऊपर ही रहते हैं, राइट। सो यहां पर भी ऑन सेटिस्फाई हो जाएगा और यहां पर भी ऑन सेटिस्फाई हो जाएगा। सो पहला वाला सेंटेंस तो सही है, लेकिन सेकेंड वाला देखिए, एम्फीबियंस की मैं बात कर रही हूँ। एम्फीबियंस कहाँ रहते हैं, लैंड के ऊपर। सो ये लैंड है, लैंड के ऊपर रहते हैं, तो ऑन ने सेटिस्फाई कर दिया लैंड को। बट अगर मैं पानी की बात करूं, तो पानी के ऊपर नहीं रहता कोई, पानी के कहाँ रहता है, अंदर, राइट। सो ऑन ने लैंड को तो सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन ऑन जो है वो वाटर को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। सो आप वाटर के लिए ऑन का भी यूज नहीं कर सकते। इंस्टेड ऑफ ऑन आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे, इन वाटर। सो आपको क्या करना पड़ा, आपको अलग से एक प्रेपोजिशन लगानी पड़ी, राइट। सिमिलरली डिफरेंट वर्ड्स नीड डिफरेंट प्रपोजिशन। जैसे मैंने कहा आई एम अशेम्ड एंड सॉरी फॉर हर बिहेवियर, फाइन। अब नाउ नोटिस, सॉरी के साथ तो आप फॉर लगा सकते हो, क्योंकि सॉरी के साथ फॉर लगता है, बट अशेम्ड ना फॉर को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अशेम्ड के साथ एक फिक्स प्रपोजिशन लगती है, क्या, ऑफ। सो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा आई एम अशेम्ड ऑफ एंड सॉरी फॉर हर बिहेवियर, क्लियर है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर क्वेश्चन, एंड आपको बताना, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है ना। ये फिक्स प्रपोजिशन लेकिन आपको याद रखनी पड़ेगी, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को, मैंने कहा ही इज सफरिंग and died of cancer, ठीक है ना। तो died के साथ तो आप off लगा रहे हो disease के लिए, सही है, but क्या suffering के साथ भी आप off लगाते हो, नहीं। तो आप मुझे बताना यहाँ पे suffering के साथ क्या आएगा। so this is your homework question, आपके पास option है on, off, with या फिर from। so मुझे comment section में answer दीजिएगा। इसी के साथ मैं session को end करूँगी, मिलेंगे अगले session में, तब तक के लिए बाय, take care and God bless you all।